छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा बूथ लेवल पे काम कर रही है, जिससे कांग्रेस घबराई हुई है व 11 की 11 सीट हारने वाली है। पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि कांग्रेस का एलायंस भी सही ढंग से नहीं हुआ है, कांग्रेस गठबंधन की 100 सीट भी आना कठिन है। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस को समझ में भी आ रहा है कि वो करें क्या, ये बयान दे करके कोई ना कोई षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है, सिर तोड़ दो मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है और अपने योजना की तरफ चल रही है और जनता का साथ हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है, जिसको जो साई जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 2500 रुपये की कीमत की बात हो धान की, चाहे बाजारी बंधन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो,